نمد نصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين محص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. अभी आपने सूरह आल इमरान की आयत 137 से 143 की तिलावत समाप्त फरमाई। इन आयतों का तर्जुमा और तफसीर इस तरह है। कद खलत मिन कब्लकुम सुननुन फसीरू फिल अर्ज़ फअंज़ुरू कैफ़ काना आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन। आयत 137 हाज़ा बयानुल लिन्नासि बहुदुम व मौइज़तुन मौइज़तुल लिल मुत्तकीन। आयत 138 वला तहिनू वला तहज़नू वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। आयत 139 इन यमसस्कुम करहुन फ़कद मस्सल क़ौम करहुम मिस्लुहू वतिल्कल अय्यामु नुदविलुहा बैनन्नासि वलयअलमुल्लाहुल्लज़ीना आमनू वयत्तख़िज़ा मिनकुम शुहदा वल्लाहु ला युहिब्बुज़्ज़ालिमीन। आयत 140 وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. آیت 141 أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ. آیت 142 وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. آیت 143 इन आयतों का तर्जुमा इस तरह। तुमसे पहले भी इस तरह के वाकयात गुजर चुके हैं। ज़मीन पर चल फिर कर देखो कि झुटलाने वालों का क्या हशर हुआ। ये लोगों के लिए बयान व हिदायत है और परहेजगारों के लिए नसीहत है। तुम सुस्त न पड़ो और गम न खाओ, तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम मोमिन हो। अगर तुम ज़ख्मी हो गए हो तो दुश्मन भी इसी तरह ज़ख्मी हो चुका था। हम ये दिन लोगों में उलट अदलते बदलते रहते हैं ताकि ईमान वालों को मुमताज़ कर दे और तुम में से बास को शहादत नसीब फरमाए। अल्लाह ज़ालिमों से मोहब्बत नहीं फरमाता और ताकि अल्लाह मोमिनों को निखार दे और काफिरों को मिटा दे। क्या तुम्हारा ये गुमान है कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे जबकि अभी अल्लाह ने यह मालूम नहीं फरमाया कि तुम में से कौन लड़ने वाले हैं और कौन साबित कदम रहने वाले। इससे पहले तो तुम मौत के ख्वाहिशमंद थे, लिहाजा अब तुमने उसे अपनी आंखों से अपने सामने देख लिया। ये तर्जुमा था आयत 137 से 143 का। अब इन आयतों की तफसीर। आयत 137 मुसलमानों को तसल्ली। मैदान उहद में 70 मुसलमान शहीद हुए और कसरत से ज़ख्मी हुए। अल्लाह उन्हें तसल्ली दे रहा है कि ये कोई नई बात नहीं, ये सिलसिला तो पहले ही से चला आ रहा था। तुमसे पहले जिन्होंने अंबिया की इत्तिबा की और उनके दीन में शामिल हुए सबके साथ यही मामला पेश आया, लेकिन आखिर में कामयाबी मोमिनों ही को हुई। इसीलिए फरमाया कि ज़रा दुनिया की सैर तो करो या जानने वालों से मालूम करो कि बेईमानों का कैसा बुरा अंजाम होता है। उनका नाम व निशान तक मिटा दिया जाता है और वो महज अफसाना रह जाते हैं। आयत 138 कुरान की खूबियाँ। यानी कुरान तमाम बातें साफ साफ बयान करता है और ये भी कि पहली कौमों का क्या हाल हुआ।
मोमिनों के मुकाबले पर बेईमान किस तरह मारे गए और मोमिनों को कैसा कैसा उरूद नसीब हुआ। इस कुरान में तुम्हारे दिलों के लिए हिदायत है, ये हुरमतें कायम रखने और गुनाहों से बचने की तरगीब देता है और अल्लाह की नाफरमानियों से डराता धमकाता है। आयत 47 फतेह की बशारत, यानी जो कुछ होना था हो गया, घबराओ नहीं, फिक्र ना करो और जिहाद में सुस्ती ना करो, अगर तुम में ईमान है तो फतेह व कामरानी तुम्हारे ही कदम चूमेगी और तुम्हारे दुश्मन तबाह व बर्बाद होंगे। आयत 140 हजमियत की हिकमत, यानी शहदा और जख्मियों का गम न करो, मैदान बदर में तुम भी तो अपने दुश्मन को कत्ल कर चुके हो और उन्हें जख्मी कर चुके हो, दिन अदलते बदलते रहते हैं, इस बार दुश्मन की बारी थी और तुम्हारी हजमियत में भी हमारी हिकमत कार फरमा है, लेकिन अंजाम बखैर तुम्हारा ही है, तुम ही जीतोगे। हिकमत ये है कि लोगों पर वाजे हो जाए कि कौन दुश्मन के मुकाबले पर सब्र करता है और कौन नहीं। अल्लाह को जालिमों और बेईमानों से मोहब्बत नहीं, बज़ाहिर उनकी कामयाबी से ये न समझो कि अल्लाह को उनसे मोहब्बत है, नहीं, बल्कि फतेह भी उनके लिए बासे शिकस्त है, क्योंकि वो इस पर इतराएंगे और गुरूर की वजह से बर्बाद होंगे। अल्लाह को तो सब कुछ मालूम है, मालूम कराना है मोमिनों को ताकि धोखे में न रहें। नेज ये भी मालूम कराना मकसूद है कि कौन जान कुर्बान करके अपनी जान निसारी का सबूत देता है और शहादत का मर्तबा आलिया हासिल करता है और कौन नहीं। नेज ये भी हिकमत है कि मोमिन निखर आएंगे, अगर वो गुनहगार हैं तो उनके गुनाह मिट जाएंगे और वरना उनके दर्जे बुलंद होंगे। जिस कदर सख्त मुसीबत होती है सब्र पर उतना ही दर्जा बुलंद होता है, और काफिरों को मिटाना मकसूद है कि फतेह पर इतरा कर भूल जाएंगे और अल्लाह को भूल जाएंगे और यही तकब्बुर व गुरूर उन्हें ले डूबेगा। आयत 142 की तफसीर, जन्नत कुर्बानी मांगती है, यानी क्या तुमने मसायब जंग में मुब्तला हुए बगैर ही गुमान कर लिया कि तुम्हें जन्नत मिल जाएगी। फरमाया सूरह बकरा की आयत 214 में, क्या पहलों की तरह तंगी तरशी और मसायब में मुब्तला हुए बगैर तुमने गुमान कर लिया है कि तुम्हें जन्नत मिल जाएगी। सूरह अनकबूत की आयत 103-3 में फरमाया, क्या लोगों ने ख्याल कर लिया है कि ईमान लाकर फितनों में मुब्तला किए बगैर छोड़ दिए जाएंगे। आयत 143 की तफसीर, इससे पहले तुम्हारी दिली आरजू थी कि दुश्मन से लड़कर दिल के अरमान निकालो, अल्लाह ने तुम्हारी मुराद यूं पूरी की कि अब गम की क्या बात है, जमकर लड़ो, मोर्चों पर डटे रहो और सब्र व हौसले के साथ दुश्मन को अपनी मर्दानगी के जौहर दिखाते रहो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुश्मन से भिड़ जाने की तमन्ना न करो और अल्लाह से आफियत मांगते रहो, लेकिन जब भिड़े बगैर चारा ही ना हो तो फिर सब्र के साथ डटे रहो। यकीन मानो तलवार के साए में जन्नत है, इसी वजह से फरमाया गया कि अब तो तुमने मौत का मुशाहिदा कर लिया, तलवारें सौंत ली गईं, तीरों की बारिश हो रही है, खून की नदियां बह रही हैं, हक व बातिल दस्त व गिरेबां हैं और सब ने जान व धड़की बाजी लगा रखी है। ये था सूरह आल इमरान की आयत 137 से 143 का तर्जुमा और तफसीर जो अभी आपने समाप्त फरमाई। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानी व नफ़ाना इय्याकुम बिज़ादिज़िक्रिल हकीम।